दोस्तों, बहुत सारे लोग WWE के सुपरस्टार्स को प्रोफेशनल रेसलर्स मानते हैं, कुछ सेलिब्रिटी मानते हैं तो कोई कुछ और मानता है, लेकिन अंततः वो किसी दूसरे मनुष्य की भांति ही अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। वो बीमार भी होते हैं, उन्हें दर्द भी होता है और ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनसे इन WWE सुपरस्टार्स को डर भी लगता है। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे दोस्तों, लेकिन अंडरटेकर जैसे लेजेंड सुपरस्टार्स को भी खीरे से डर लगता है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही WWE सुपरस्टार्स के नाम बताएंगे और यही बताएंगे कि उनको किन चीजों से डर लगता है। तो आइए जानते हैं उनके और उनके डर के बारे में। तो पहले बात करते हैं साशा बैंक्स के बारे में। WWE में ये कई बार चैंपियन रह चुके हैं। साशा खुद कह चुकी हैं कि रात में उनको डरावनी फिल्म देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और कोई डरावनी फिल्म देखने के बाद साशा अपने घर से बाहर जाने में भी डरती हैं। इसके बाद हैं हीथ स्लेटर, ये भी खुद कह चुके हैं कि सच कहूं तो मुझे हजारों फैंस के सामने रिंग में जाने से बहुत डर लगता है। जब भी मैं WWE के रिंग में जाता हूं तो ऊपर से खुद को अच्छा अच्छा दिखाने की कोशिश करता हूं, लेकिन भीतर से मुझे बहुत डर लग रहा होता है। कार्ल एंडरसन, दोस्तों इनको अप्रैल 2020 में WWE से रिलीज कर दिया गया था। दो बार के रॉ टैग टीम चैंपियन कार्ल ये बता चुके हैं कि इन्हें एलिवेटर में जाने से बहुत डर लगता है, यानी कि लिफ्ट में जाने से। और इनके साथ ही ल्यूक गैलोस अक्सर एंडरसन के इस डर से बहुत मजे लेते हैं। राइनो, दोस्तों राइनो भी एक बहुत ही तगड़े पहलवान है और WWE में पूर्व चैंपियन भी रह चुके हैं, लेकिन वो खुद एक इंटरव्यू में इस बात को कबूल कर चुके हैं कि जब भी वो चूहों को देखते हैं तो किसी लड़की की तरह चिल्लाने और कूदने लगते हैं। रेने यंग, दोस्तों रेने यंग WWE में इंटरव्यू लेने से लेकर एक कमेंटेटर के रूप में भी काम कर चुकी हैं और पूर्व WWE सुपरस्टार डीन एम्ब्रोस की पत्नी कह चुकी हैं कि उनको भूत की बात सुनकर या फिर सांप देखकर बहुत डर लगता है। इसके बाद कर्ट हॉकिंस, दोस्तों कर्ट हॉकिंस को WWE में अपने 269 मैच तक चले लूजिंग ट्रिक के लिए जाना जाता है। वो कह चुके हैं कि मुझे डरावनी फिल्में बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसके अलावा रिंग में उतरने से पहले भी उन्हें बहुत घबराहट महसूस होती है। इसके बाद बात करते हैं निक्की बेला की। दोस्तों निक्की बेला WWE इतिहास के सबसे लोकप्रिय वुमेन सुपरस्टार्स में से एक रह चुके हैं और इस पूर्व चैंपियन ने एक बार कहा था कि मकड़ी और फिल्मों में क्लाउन से उनको बहुत डर लगता है, इसके अलावा इनको खो जाने का डर भी हमेशा लगा रहता है। इसके बाद बात करते हैं आर ट्रूथ की। तो दोस्तों पूर्व WWE चैंपियन रह चुके आर ट्रूथ दूसरों को हंसाने में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन टोटल डिवास के सीजन 5 में उन्होंने ऐसा माना था कि वो बिल्लियों से दूर रहने में विश्वास रखते हैं और ये डर बचपन में घटी घटना से ही उनके साथ बना हुआ है। इसके बाद हैं जेफ हार्डी। दोस्तों इस बात को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता है कि जेफ हार्डी WWE के इतिहास के सबसे बेहतरीन इन रिंग परफॉर्मर्स में से एक रहे हैं। वहीं डर के बारे में बात करते हुए ये कहते हैं कि उन्हें सांपों से बहुत डर लगता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों जॉन सीना की। तो दोस्तों 16 बार के WWE चैंपियन रह चुके जॉन सीना अपने डर को उजागर करते हुए कह चुके हैं कि इनको ऊंचाई से बहुत डर लगता है और ये ऊंची जगह जाने से अक्सर बचने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 10 WWE सुपरस्टार्स जो कि कुछ चीजों से बच्चों की तरह डरते हैं। दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।